Yeah, good morning everyone. This is the continuation video of sound chapter of class 9th. And uh, we have to start. We are discussing from, let me show you this just a moment. We were discussing sound chapter and today we have to start from the F, uh, reflection of sound. You are already, reflection is not a new term, my dear students, reflection of sound. तो you बेटा know, okay? so, कोई भी साउंड वेव है अगर किसी हार्ड सर्फेस को स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो उसे क्या इस फंडे को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलेंगे आप अंडरलाइन कर सकते हैं डेफिनेशन द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड

The 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 reflected reflected sound 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 wave 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 and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. incident sound wave reflected sound wave जो normal, जो 90 at the point of incidence ये सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं अभी मैं आपको फिगर से भी ये बात समझाऊंगा और second है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस साउंड वेव के वो हमेशा Equal होते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट से आपको ये हूं। ये आपको समझाता देखिए स्कूल में कराएंगे दो लेनी नॉर्मल रे, रे आप सभी को पता है 90 डिग्री पर होती है यहाँ कोई क्लॉक रख देनी है क्लॉक का साउंड जो टिकलिंग टिकिंग साउंड है क्लॉक का वो जाएगा इसमें से टकराएगा और ये इंसिडेंट साउंड वेव है ए बी जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और ओ एन जो है नॉर्मल है अब पहला लॉ सुन लो इंसिडेंट साउंड वेव यानी कि ए नॉर्मल यानी कि ओ एन और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव यानी की ओबी ये हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे जैसे यहाँ इस पेपर पे लाई कर रहे हैं जो कि टू प्लेन है दूसरा लॉ कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है आई और आर इक्वल है राइट ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं आप ये क्लॉक की टिकिंग साउंड को सुन सकते हैं और ये फंडा भी परफॉर्म कर सकते हैं आई इक्वल टू आर इसमें है या नहीं है ठीक है क्लास इसके बाद आते हैं इसके यूजेस कि भाई ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है ये आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो यूटिलाइज़ होता है बहुत सारे डिवाइस हैं जो इसी के बेसिस पे चलते हैं जैसे कि मेगाफ़ोन, फोन बल्ब हॉर्नोस्कोप साउंड बोर्ड ये सब ठीक है ना जैसे मेगाफोन या बल्ब हॉर्न आपने देखा होगा मेगाफोन आपने क्यों यूज होता है जब छोटी सी गैदरिंग होती है पचास साठ लोगों की कोई नेता भाषण दे रहा है या पचास साठ बच्चे हैं उनको मुझे मतलब तो मेगाफोन का यूज किया जाता है उस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए ठीक है ना ये बल्ब होम हॉर्न जो है रिक्शा या में आपने देखा होगा लगा होता है है ठीक कि आगे अगर कोई आ गया तो ये बल्ब हॉर्न बजाते हैं ये सब के सब क्या करते हैं साउंड सिग्नल यहाँ से देखो इस बच्चे के माउथ से साउंड वेव निकल रही है वो साउंड वेव ऐसे टकरा रहा है मेगाफोन से और ये मैग्निफाई हो जाता है बड़ा हो जाता है ज्यादा आवाज निकलती है ठीक है ना तो ये मेगाफोन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसी में सेम ये शेप्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ मेगाफोन क्या है इट इज अ लार्ज या फनल शेप डिवाइस है ये एम्पलीफाई एम्प्लीफाई का मतलब आवाज को बढ़ा देता है या एम्प्लीफाई करता है या डायरेक्ट करते हैं वॉइस ऑफ पर्सन को जो इसमें बोलता है मेगाफोन को लाउड हेलर भी बोला जाता है राइट तो मेगाफोन या बल्ब हॉन आपने काफी बार देखे होंगे राइट मेगाफोन भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर एक्ट करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब है साउंड का वॉल्यूम जो है बार बार लगातार कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट होके मैग्निफाई हो जाता है एम्पलीफाई हो जाता है राइट बल्ब हॉन दूसरा मैंने बताया ये कोन शेप विंड इंस्ट्रूमेंट है ये यूज होता है बाइसिकल्स में कार्स में बसेस में ट्रक्स में या बोट्स में बल्ब हॉर्स अलग अलग डिजाइन के आते हैं एक ऐसा डिजाइन अभी हमने आपको दिखाया भी था बल्ब हॉर्न कौन शेप्ड हो सकता है मेटल ट्यूब होती है ठीक है और एक हॉलो रबर बल्ब होता है इसके नैरो एंड पर जब भी हम रबर बल्ब को प्रेस करते हैं तो जो एयर उसमें से निकलती है वही लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है जैसा कि मेगाफोन में से होता है आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा। एक तरीके का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि साउंड को सुन सके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड्स है चाहे मेरी हार्ट बीट है चाहे मेरी नर्व्स है राइट इसके साउंड को सुन सके हार्ट और लंग में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे सुनने के लिए ये डिवाइस यूज होता है इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप अब बेटा स्टेथोस्कोप में तीन पार्ट होते हैं एक चेस्ट पीस होता है जैसा कि आप देखते हैं इसे पर्सन की चेस्ट पे रखते हैं या कई बार पीठ पे भी रखते हैं बैक पे रखते हैं राइट right? एक रबर ट्यूब होती है और ईयर पीस होते हैं ठीक है तो चेस्ट पीस से जो साउंड सुना जाता है वो लगातार देखो ऐसे साउंड वेव जो है लगातार रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है और डॉक्टर उसी को सुनता है अगर किसी के दिल की धड़कन नॉर्मल से तेज है तो डॉक्टर को पता लग जाएगा हाँ भाई इसका जो हार्ट है अब नॉर्मली बीट कर रहा है ओके दो ईयर पीसेस होते हैं वो भी डॉक्टर अपने में लगाता है एक रबर ट्यूब होती है जो चेस्ट पीस को ज्वाइन करेगी ईयर पीस के साथ ये रबर ट्यूब क्या करेगी फर्दर साउंड को ट्रांसमिट करेगी चेस्ट पीस से ईयर पीस में ध्यान रखना ठीक है तो बेटा वही सिग्नल हार्ट आप बड़े अच्छे से ध्यान से अपनी हार्ट की बीटिंग को इसमें सुन सकते हो आप ठीक है ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही आधारित है इसके बाद आपने साउंड बोर्ड देखा होगा बड़े हॉल्स में साउंड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है वॉल्स के द्वारा सीलिंग यानी छत पर फ्लोर सीट्स या लोगों के ने जो कपड़े पहने हैं वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर देते हैं तो ये बहुत सारे एब्जॉर्बशन की वजह से साउंड को हम हर्ड नहीं कर सकते हैं हॉल में तभी आप किसी हॉल में जाओगे ना तो ये देखो जो छत होती है वो कनकेव होती है जो रूफ टॉप है जैसे कोई पियानो प्ले कर रहा है तो वो साउंड ऐसे लगातार रिफ्लेक्ट बैक करेगा उस पेक सरफेस से और यहाँ सारी ऑडियंस की चेयर लगाई हुई है यहाँ लोग बैठे हैं और वो साउंड को अच्छे से सुन सके होंगे आपने अगर हॉल को विजिट किया है तो वॉल्स पे भी कारपेट लगे होते हैं देखा पर्दे लगे होते हैं वॉल्स पर भी हॉल की जाओगे तो क्योंकि वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के होते हैं ताकि echo ना, हो, repetition ना हो साउंड का कि कोई ये ना हो आपको दो दो बार सुनाई दे तो बेटा ये जो साउंड बोर्ड है ये एक बोर्ड है जो कि एक कर्ड बोर्ड है और ये प्लेस कहाँ किया गया स्पीकर के बिहाइंड बड़े बड़े ऑडिटोरियम में ताकि स्पीच को इजिली सुना जा सके जो लोगों से सुनने आए अब साउंड बोर्ड कुछ इस तरीके से काम करता है एक सेकेंड साउंड बोर्ड बेटा कुछ ऐसे काम करता है कि जो भी ऑडियंस है ऑडी में या हॉल में बैठी हुई सुन सके जो स्पीकर होता है उसे फोकस पे स्टैंड करते हैं देखो ये है ना इसकी ये शेप है उल्टा सी यानी कि ये कंकेव मिरर की तरह होता है ठीक है तो कंकेव मिरर क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है जो भी पैरल रेज ऑफ लाइट अगर कनके मेरे से स्ट्राइक करेंगी ना तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी उस पॉइंट को कहते हैं फोकस तो यहाँ पर मैं पियानो आर्टिस्ट को बैठाऊंगा वहां पियानो रखूंगा उसका फोकस पर ताकि जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कनके बोर्ड को हिट करके ऐसे रेस पैरल हो जाएंगी राइट और यहाँ पे मैं सारी सिटिंग रखूंगा लेफ्ट वाले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ रियल में ऐसे होता है, छत से टकरा के यहाँ ऑडियंस बैठी होती ओके तो स्पीकर को हम फोकस पे बैठाते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया जो कनकेव सरफेस है साउंड बोर्ड की वो रिफ्लेक्ट करेगी साउंड वेव को ऑडियंस की तरफ इस वजह से साउंड वेव जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी नॉर्मली हॉल के थ्रू में यूनिफॉर्मली हो जाएंगी तो जो लोग हॉल में पीछे बैठे हैं वो भी स्पीच को इजिली सुन पाएंगे राइट ये ऑब्वियस है कि साउंड बोर्ड भी किस पर काम करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करते हैं जो सीलिंग है जो छत है कॉन्सर्ट हॉल की या कॉन्फ्रेंस हॉल की या सिनेमा हॉल्स की उन्हें कर्ड बनाया जाता है ताकि साउंड जो है रिफ्लेक्ट कर सके सीलिंग से यानी छत से और फिर हर व्यक्ति तक पहुंच सके ठीक है एक कर्ड जो सीलिंग होती है वो एक्चुअली एक लार्ज कनके बोर्ड की तरह होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है साउंड को और जो ये रिफ्लेक्शन है साउंड का वो एको प्रोड्यूस करता है जिसे हम प्रतिध्वनि या गूंज भी कहते हैं हिंदी में एको का मतलब है रिपीटेशन ऑफ साउंड रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नॉर्मल हॉल वगैरह में जो होती है तब इसे रिवर्बरेशन बोलते हैं और अगर ये माउंटेन पे होती है तो इसे एक् बोलते हैं आप कभी ऐसे माउंटेन पे गए हो किसी एरिया में कुछ बोलोगे तो आपको अपनी प्रतिध्वनि आपकी आवाज दोबारा से सुनाई देगी अगर आपने विजिट किया हो ऐसा प्लेस ठीक है तो ये फंडा जो है किसका है एको का है, ओके okay? सिंपली एक तरीके का रिफ्लेक्टेड साउंड है, याद रखना। एन एक्ो इज हियर वेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस सच एज अ टॉल ब्रिक और अ क्लिफ अब इसका फंडा क्या है मैं अभी ये भी बताता हूं एक् कैसे प्रोड्यूस होती है देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड है वो लगभग कितनी है 344 मीटर पर सेकंड है राइट right? तो अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है कितना कैलकुलेट करेगा और दो आवाजों में अगर आपको डिफरेंस बताना है ना तो 1/10th ऑफ सेकंड का ये अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 193 पर है वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इको सेपरेटली आप ओरिजिनल साउंड और

तो बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस हमें निकालना है स्पीड है 344 टाइम है 0.1 सेकंड 344 इनटू 0.1 कितना आ जाएगा 34.4 मीटर आ जाएगा अब 34.4 मीटर को 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 17.2 मीटर मतलब अगर आप किसी वॉल से किसी ओपेक सरफेस से 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो आप अपनी को सुन पाओगे ध्यान रखना ठीक है देती इतना क्लियर है आपको 17.2 मीटर कहां से आया वो आप न्यूमेरिकली बेटा सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये ध्यान रखना इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एक हॉट डे में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ कोल्ड डे तो यानी कि एको जो है आप हॉट डे में कंपैरेटिवली अपनी जल्दी सुन लेंगे ठीक है और आप 17.2 मीटर के गैप पे खड़े होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले सुन लीजिए पहले मेरे साथ साथ करिए जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थंडर ऑफ रोलिंग ऑफ थंडर बादलों का गरजना ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है राइट आपने कई बार सुना होगा बादलों का गर्जना आपको लाइटनिंग पहले नजर आती है और बादलों का जो थंडर है क्लाउड्स का जो थंडर है वो बाद में आपको सुनाई देता है बारिश के मौसम में आपने ऐसा देखा होगा कई बार फील किया होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड है बेटा थ्री लाख किलोमीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड है सिर्फ 344 मीटर पर सेकेंड समझे तो इसी वजह से आपको लाइटनिंग पहले होती हुए नजर आएगी ये जो एक्स का फॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के द्वारा इसे भी हम मेजर कर सकते हैं सी वाटर की डेप्थ को या अंडर वाटर कोई ऑब्जेक्ट है या शोल्स ऑफ फिशेस शिप सबमरीन सब सी रॉक्स इन से भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ एक बड़ा सिंपल सा सैंपल प्रॉब्लम है मेरे साथ साथ करिए पहले रीड कीजिए वाला सैंपल प्रॉब्लम देती फटाफट मैन क्लैप्स A man claps his hands near a mountain and hears the echo after four seconds. If the speed of sound under these conditions be three thirty meter per second, calculate the distance of the mountain from the man. थैंक यू दीदी अब देखिए कोई मैन अपने हैंड को ऐसे क्लैप कर रहा है ठीक है ना और अपने एको से चार सेकंड के बाद सुनाई दे रही है और अगर स्पीड ऑफ साउंड वेव हमें दे रखी है थ्री थर्टी मीटर पर सेकंड तो बताना है कि वो व्यक्ति माउंटेन से कितने डिस्टेंस पर खड़ा है तो आप कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम लगाया पर टाइम को बेटा टू से डिवाइड कर लेते हैं और टू से डिवाइड करते क्यों है क्योंकि जाने और आने में जो समय लगेगा याद रखना तो ऐसे न्यूमेरिकल में सिर्फ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड को टू से डिवाइड कर लेना time को two से divide कर लोगे four by two, two second आ जाएगा, फिर distance का स्पीड इन टू टाइम यानी कि थ्री थर्टी इंटू टू यानी कि सिक्स सिक्सटी मीटर हो जाएगा तो एक् का मतलब है रिपीटिशन ऑफ साउंड इसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिवर्ब्रेशन की अगर आप एक बड़े से हॉल में कुछ भी बोल रहे हैं तो जो साउंड वेव वो लगातार रिफ्लेक्ट होंगी, जब वो वॉल से, सीलिंग से या फ्लोर से टकराएंगी और बहुत सारा प्रोड्यूस करेंगे का वो काफी शॉर्ट होता है कई एकोज आपस में ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप ही कर जाती है इसकी वजह से जो ओरिजिनल साउंड है वो थोड़ा सा प्रोलोंग होता हुआ हमें सुनाई देता है और ज्यादा समय तक रहता है अगर आप एक बड़े से हॉल में ज्यादा समय के लिए साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो परसिस्टेंस है ये जो परसिस्टेंस है आपका साउंड का बड़े से हॉल में रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स की वजह से सीलिंग की वजह से यह फ्लोर ऑफ द हॉल की वजह से इसी को ही हम क्या कहेंगे रिवर्ब्रेशन कहेंगे तभी मैंने कहा था हॉल वगैरह में जब ऐसे प्रोड्यूस होता है उसे रिवर्बरेशन कहते हैं और माउंटेन्स पे जब होता है तो उसे एको कहते हैं अगर रिवर्बरेशन बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो साउंड क्या होगा ब्लर हो जाएगा डिस्ट्रॉटेड हो जाएगा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि बहुत तरीके के जो साउंडस है वो ओवरलैप कर जाएंगे आपस में तो क्या मेथड है जो हमें यूज करने चाहिए इस एक्सेसिव रिवर्बरेशन से बचने के लिए जो ये बड़े बड़े हॉल्स में होती है देखिए जो पैनल्स होते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के उन्हें हम वॉल्स में लगाएंगे बड़े बड़े हॉल्स की छत में लगाएंगे ऑडिटोरियम्स में लगाएंगे ताकि रिवर्ब्रेशन हम रिड्यूस कर सके अंडरलाइन कीजिए कारपेट्स जो होते हैं जिन्हें हमने फ्लोर पे लगाया वो भी साउंड एब्जॉर्ब करते हैं और रिवर्ब्रेशन रिड्यूस करते हैं हेवी करटेन्स हम यूज करेंगे डोर्स पे विंडोज पे ताकि साउंड एब्जॉर्ब करे इवन वॉल्स पे भी कई बार हम लगा देते हैं अगर आपने सिनेमा हॉल में देखा हो तो ताकि रिवर्ब्रेशन रिड्यूस हो जाए जो जाएरियल है साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी वाले वो यूज किए जाते हैं ताकि जो सीट्स हैं बड़े बड़े हॉल्स की या ऑडिटोरियम की वो रिवर्ब्रेशन रिड्यूस कर सके जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल है वो बैड रिफ्लेक्टर होते हैं साउंड के इसी वजह से सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जो हैं गुड एबजॉर्बर हो जाएंगे साउंड के कर्टेन यानी कि फैब्रिक्स कारपेट्स ये सब बैड मटेरियल हैं जो बैड रिफ्लेक्टर है साउंड के लेकिन अच्छे एबजॉर्बर है तो ये जो बैड रिफ्लेक्टर हो जाएंगे ये एको नहीं देंगे जब उन पर साउंड फॉल करेगा तो अगर हम किसी भी रूम हैवी करटेन्स लगे हुए हैं तो हम साउंड को अच्छे से सुन पाएंगे क्योंकि जो करटे हो जाएंगे वो बैड रिफ्लेक्टर है साउंड के और वो एब्जॉर्ब कर लेंगे जो साउंड उन पर फॉल कर रहा होगा और वो या रिवर्ब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे कर्टेन्स के अलावा जो सोफा सेट्स पड़े हैं हमारे रूम में वो भी रिड्यूस कर देते हैं जैसे अभी जो भी मैं लेक्चर इस रूम में दे रहा हूं तो एक् नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर सोफाज हैं कर्टेन लगे हुए हैं ये सब क्या कर रहे हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं समझे ओके okay, अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज की देखिए इंसानों की जो क्षमता है सुनने की वो 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट्स किलो हर्ट्स यानी 20,000 20, थाउजेंड हर्ट्स ट्वेंटी किलो हर्ट से जो कम का साउंड होगा और 20 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स के जो बीच का साउंड होगा उसे तो कहेंगे नॉर्मल ऑडिबल रेंज जो 20 हर्ट से कम का साउंड होएगा, उसे कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड और जो 20 किलो हर्ट से ज्यादा का साउंड होगा उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड समझे तो ये पहले तो तीन बातें हैं मोटी मोटी याद रखना 20 हर्ट से नीचे वाला इंफ्रासोनिक 20 और 20 किलो हर्ट के बीच वाला नॉर्मल ऑडिबल रेंज और ट्वेंटी किलो हर्ट से ज्यादा वाला ज्यादा वाला अल्ट्रासोनिक साउंड ठीक है ना ये ध्यान रखना। अब बाय हम इसके बारे में बात करेंगे अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज़ हैं। जैसे ट्वेंटी हर्ट से कम वाले साउंड की पहले बात करेंगे उसे क्या कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं ये इंफ्रासोनिक जो होते हैं ये काफी लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं इन्हें इंसान नहीं सुन पाते इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं ये प्रोड्यूस भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा किए जाते हैं जो काफी स्लोली वाइब्रेट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल पेंडुलम वो भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्वेंटी हर्ट से कम होती है अर्थक्वेक्स या कई एनिमल जैसे कि एलिफेंट्स राइनासोरस ये सब भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनके साउंड की फ्रीक्वेंसी सिर्फ फाइव हर्ट है समझे तो ये इंसान नहीं सुन पाते हैं है, तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड होता है तो और एलिफेंट सुन पाएंगे उसे पहले ही भाग लेंगे डॉग्स ये भी डिटेक्टिव वर्क जो है करते हैं पुलिस के लिए क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं ट्वेंटी किलोहट से ज्यादा वाला बैट्स ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक स्क्वीक ठीक है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक का होता है राइट राइनासोरस ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया ना ट्वेंटी हर्ट से कम वाली होगी तो बेटा आप ट्वेंटी किलो हर्ट से ज्यादा वाला जो साउंड होगा उसे क्या बोलेंगे अल्ट्रासोनिक बोलेंगे ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है काफी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है इसे ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं राइट ये ध्यान रखना Human beings जो हैं, 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 ये नहीं सुन 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 पाते 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 क्योंकि इनकी 50,000 होती है। बैट्स, ऐसे मैंने बताया ना, तक का भी सुन पाते है। हमें बैट्स की चीखें उसकी स्क्रीम नहीं सुनाई देगी क्योंकि वो जो स्क्रीम्स होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है राइट इसके अलावा डॉल्फिन ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं लगभग 25,000 हर्ट्ज का ठीक है ना क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी उन्हें ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाएंगे उसे क्या बोलेंगे अल्ट्रासाउंड बोलेंगे ठीक है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा का जो साउंड है वो अल्ट्रासाउंड है ठीक है क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट वैसे ही होता है जैसे कि ऑर्डनरी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है और प्रोड्यूस करता है पर हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी पेनेट्रेटिंग पार भी ऑर्डनरी से कहीं ज्यादा होती है तो मोटी बात ये याद रखिए ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड से ज्यादा का जो साउंड है उसे क्या बोलेंगे अल्ट्रासाउंड बोलेंगे ठीक है अब आता है इसके यूजेस क्या है इसकी एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है काफी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी क्योंकि आपको न्यू और वेवलेंथ में पता है रिलेशन ठीक है ना लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन में न्यू होगा ना ठीक है ना तो लैमडा और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी जिसे मैंने स्मॉल एफ भी बोला था ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो अल्ट्रासाउंड जो है इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है और वेवलेंथ काफी कम है जिसकी वजह से ये मैटर के अंदर काफी डीप पेनेट्रेट कर सकते हैं ठीक है इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से जो अल्ट्रासाउंड है वो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में खासकर मेडिकल पर्पसेस के लिए अल्ट्रासाउंड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ताकि कोई फ्लॉज यानी कोई क्रैक्स किसी मशीनरी में है तो वो डिटेक्ट हो सके जैसे कि मेटल ब्लॉक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन या बड़े बड़े स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं उसके अंदर छोटे से छोटा भी फ्लॉ कोई है कोई क्रैक है कोई इंटरनल क्रैक है तो वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लिया जाता है और उस पार्ट को इमिजिएटली रिप्लेस कर दिया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो अनप्टेड जैसे कि ये देखिए ध्यान से एक सेटअप से मैंने ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ ये देखिए जैसे कि ये कोई मेटल ब्लॉक है ये बिल्कुल बढ़िया पीस है तो यहाँ लेफ्ट साइड से अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ा गया और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड पड़े हैं तो वो उन वेव्स को रिसीव कर लेते हैं तो पता लग जाएगा ये मेटल ब्लॉक बिल्कुल सही है पर से देखिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को छोड़ा गया पर ये बीच में कोई क्रैक है मेटल ब्लॉक के जो कि बाहर से नहीं दिख रहा लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव जो बीच वाली है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी तो इस रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएंगी तो पता लग जाएगा इस ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम है इसे इमिजिएटली हम रिप्लेस कर देंगे तो फ्लॉज यू नो you know, देखने के लिए कि कहीं पर कहीं कोई ब्लॉकेज है या कुछ है ये सब देखने के लिए भी ये यूज किया जाता है हमारा अल्ट्रासाउंड की टेक्निक यूज की जाती है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो क्लास इसके बाद हम बात करेंगे और भी यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर इंडस्ट्री में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे कि स्पायरल ट्यूब्स हैं ऐसी कोई मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव को पास कराते हैं सॉल्यूशन में से क्लीनिंग सॉल्यूशन में से और हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स है ये अप करेंगी क्लीनिंग सॉल्यूशन को और डस्ट और ग्रीस के जो पार्टिकल हैं वो उसके साथ अप होकर रह जाएंगे और साफ कर देंगी मशीनरी पार्ट को अल्ट्रासाउंड इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए जैसे कि लिवर गॉल ब्लैडर पेनक्रियास किडनीस यूटरस हार्ट यहाँ इनकी डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है इन ऑर्गन्स को जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है और ये जो टेक्निक है जिससे हम इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर ले लेते हैं अल्ट्रासाउंड पल्सेस को यूज करके इसी को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं खासकर प्रेग्नेंट के फीटस की ग्रोथ को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक काफी यूज होती है नाइन मंथ के साइकिल के दौरान ठीक है ना और हार्ट के एक्शन को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे इको कार्डियोग्राफी कहते हैं यानी ईसीजी कहते हैं तो भी ये अल्ट्रासोनिक वेव ही यूज होते है, ठीक है इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसके अलावा और भी हैं अल्ट्रासाउंड के यूजेस मैंने पहले ही बताया फीटस की ग्रोथ इनसाइड द मदर्स वोम चेक करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी यूज होती है किडनी में कोई स्टोन है उसे ब्रेक करने के लिए भी ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे पीसेस में बड़े से स्टोन को ब्रेक कर देते हैं और बाद में वो यूरिनेशन के थ्रू पास हो जाता है ठीक है तो भी अल्ट्रासोनोग्राफी ही यूज होती है ये जो फाइन ग्रेन्स है फिर ये इतने छोटे हो जाते हैं कि ये पास कर जाते हैं ठीक है यूरिनेशन के साथ ही अल्ट्रासाउंड सोनार सोनार का फुल फॉर्म है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग यहाँ पर सिर्फ साउंड नेविगेशन रेंजिंग दिया हुआ है इससे हम लोकेट करते हैं अंडर सी ऑब्जेक्ट्स लाइक शोल ऑफ फिशेस शिपरेक्स सबमेरीन सी रॉक्स या हिडन आइसबर्ग्स इन सब को. साउंड रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिससे हम समुद्र के अंदर या कोई भी दूरी पर डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से ढूंढ पाते हैं जैसा कि मैंने बताया सोनार का फुल फॉर्म साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ये एक ऐसा एपरेटस या ऐसा डिवाइस है जो डेप्थ ऑफ सी बताने के लिए यूज होता है या लोकेट करता है अंडर वाटर थिंग्स को जैसे शोल्स ऑफ फिशेस शिपरेक्स या एनिमी सबमरीन्स है जितना समय लगेगा इसके एको को रिटर्न करने में फिर वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय टू से कैलकुलेट कर लेंगे कि यहां पर कोई चीज पड़ी हुई है सी के अंदर या नहीं ठीक है सोनार में दो पार्ट्स होते हैं बेटा एक होता है ट्रांसमीटर एक होता है रिसीवर ट्रांसमीटर का, का काम है एमिट करना अल्ट्रासोनिक वेव्स को और रिसीवर का काम है डिटेक्ट करना अल्ट्रासोनिक शिप अंडर साइड ऑफ़ अ शिप और डेप्थ ऑफ सी को मेजर करता है जो ट्रांसमीटर होता है सोनार का वो एक पल्स को एमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड की काफी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ लगभग 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो पल्स होती है अल्ट्रासोनिक साउंड की ये ट्रैवल करती है सी वाटर में और फर्दर हिट करके जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ ये देखिए ट्रांसमीटर ने वेव एमिट की अल्ट्रासोनिक ये गई डेप्थ ऑफ सी पे हिट करेगी रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर पे रिसीव हो जाएगी फॉर्मूला लगा लो टू एस इज इक्वल टू वीन टू टी जैसे कि यहाँ एक सैंपल प्रॉब्लम दिया अभी मैं समझाऊंगा जो भी जितना भी टाइम लगा है वेव को वापस आने में उसे टू से डिवाइड कर लो क्योंकि जाने और आने का समय मिला के के बता बता रहा है है वो तो तो फिर हम डिस्टेंस सकते हैं मान लो वॉर टाइम पे एनिमी की कोई शब, है, मेरे शिप के नीचे जस्ट तो वो टाइम जल्दी आएगा ना जल्दी टकरा के वापस आ जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा वो डेली गश करते हैं जैसे पुलिस वाले घूमते रहते हैं डेली बिल्कुल वैसे ये भी सी के अंदर घूमते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि कोई वेव अगर आ रही है तो ठीक कोई वेव अगर जल्दी आ जाएगी टकरा के तो उन्हें पता लग जाएगा ना यहाँ पर कोई सबमरीन प्रेजेंट है राइट तो इससे वो डिटेक्ट ये वॉर टाइम में बड़ा जरूरी है आप चेक करना इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो हुई थी 1965 में तो उनकी एक ऐसे ही बहुत बड़ी सी सबमरीन थी गाजी नाम था उसका द गाजी अटैक के नाम से मूवी भी बनी हुई है उसको ऐसे ही डुबा दिया था वरना वो हमारे मेन शिप को डुबा देती ठीक है तो सबमरीन इन सबका वॉर टाइम पे बड़ा यूज होता है बेटा अब मैं चाहूंगा आप ये सैंपल प्रॉब्लम एक बार रीड करें सोनार डिवाइस अटैच टू अ शिप सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी दीस वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी इफ दी अल्ट्रासोनिक वेव्स टेक 4 सेकंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द शिप इन द फॉर्म ऑफ एन इको व्हाट इज दी डेप्थ ऑफ दी सी स्पीड ऑफ दी साउंड इन वाटर इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो भी टाइम दिया उसे टू से डिवाइड कर ले और फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ या सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ स्पीड साउंड वेव की वाटर में आपको पता ही है 1500 मीटर पर सेकंड है तो 1500 2 3000 मीटर आ जाएगा देखो अगर मान लो कोई शिप डूब भी गया सी में किसी एक्सीडेंट की वजह से या वॉर टाइम में तो उसकी भी पोजीशन अगर लोकेट करनी है तो भी ये यूज होते हैं वैसे कहते हैं समुद्र की गहराई नापी नहीं जा सकती पर वो स्टेटमेंट गलत है सोनार की की हेल्प से आप सी की डेप्थ भी वेरियस प्लेसेस पे मेजर कर सकते हैं, राइट अब साउंड जो है यूज हो रहा है लोकेट करता है शोल्स ऑफ फिशेस को या शिपरेक्स को या सबमरीन को ठीक है अल्ट्रासाउंड साउंड वेव जो होती हैं वो सोनार में यूज़ होती हैं। ये ध्यान रखना आप, ओके? और कुछ एडवांटेजेस इनकी क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड जो साउंड वेव्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी काफी हाई है वेवलेंथ काफी कम है जिसकी वजह से ये पेनेट्रेट कर जाती हैं सी वाटर के अंदर लार्ज एक्सटेंड में और अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स हैं इन्हें आप इंजन के नॉइस या बाकी किसी साउंड के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ह्यूमन बींग्स के द्वारा सुनी नहीं जाती है बैट्स का मैंने पहले ही आपको बताया बैट्स जो हैं अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड एमिट करते हैं रात के समय ये फ्लाई करते हैं दिन में तो ये अंधे होते हैं लगभग सो जाते हैं ठीक है अब ये अंधे होते हैं तो कभी सोचा ये अपना शिकार कैसे पकड़ते होंगे खाना कैसे खाते होंगे क्योंकि बैट्स पॉर्पोइस डॉल्फिन ये ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम मतलब अल्ट्रासोनिक जो साउंड निकालते हैं उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक स्क्वीक अंधेरे में जब ये उड़ रहे होते हैं तो किसी और ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल से टकरा ना जाए तो ये देखो ये एक ऐसे स्क्वीक निकालते हैं तो वही स्क्वीक अगर जल्दी वापस आ जाती है तो इन्हें पता चल जाता है इनका प्रे इनका शिकार वहां पर है नॉर्मल भाषा में वही से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका शिकार कितनी दूरी पर है? है? तो लाउडनेस पिच और टिम्बरे लाउडनेस जिसका जितना एम्पलीट्यूड हाई उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा जैसे मैंने पहले भी बताया मेल्स की लाउडनेस ज्यादा है राइट right? क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड हाई है लेकिन आप लोगों की गर्ल्स की फीमेल की फ्रीक्वेंसी हाई है तभी आप जल्दी जल्दी बोलते हो क्योंकि नंबर ऑफ वेव जो है आपके माउथ से ज्यादा निकलती है कहते हैं एक लेडी आमतौर पर बीस हजार शब्द बोलती है दिन में और एक मेल सिर्फ आठ हजार मेरी बात अलग है मैं तो बढ़ाते हुए बहुत बोल लेता हूँ ठीक है लेकिन एक मैंने कहीं मैगजीन में पढ़ा था डेटा तो लाउडनेस का मतलब है कि साउंड एनर्जी का एम्पलीट्यूड कितना लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी ये देखो ये एक फेंट साउंड है फिगर 58 में जो आप देख रहे हैं धीमी आवाज है और ये एक लाउड साउंड जितना लाउड साउंड होगा उतने बड़े बड़े वेव फॉर्मस होंगे जितना फेंट साउंड होगा उनके छोटे एम्पलीट्यूड के वेव फॉर्म होंगे ये आपको पता होना चाहिए ठीक है लाउडनेस जो है साउंड की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल साउंड की यूनिट है डेसिबल कई बार इस बार दीपावली पे क्रैकर्स खरीदो तो देखना उस पर लिखा होता है इतने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करेगा वो ठीक है पिच पिच मैंने पहले भी बताया फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है ये जैसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड का वेव फॉर्म लो पिच साउंड आप देख सकते हैं और जो हाई फ्रीक्वेंसी तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी मींस द मोर नंबर ऑफ साउंड वेव्स एमिटिंग फ्रॉम अ सोर्स तो जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा साउंड वेव्स किसी सोर्स से निकल रही हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच लेडीज की पिच ज्यादा है लेकिन एम्पलीट्यूड कम है और मेल्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और पिच कम है ठीक है तो ये ध्यान रखना तीसरा फैक्ट क्वालिटी मान लो एम्पलीट्यूड और पिच सेम भी हो जैसे सिंगर्स के पास सारी क्वालिटी होती है तो भी आप किन्नी दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्वालिटी के बेसिस पे जैसे अरिजीत सिंह और सोनू निगम की वॉइस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या नहीं क्वालिटी के बेसिस पे क्योंकि उन दोनों की क्वालिटी ऑफ साउंड अलग है जैसे मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं ऊपर बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं एक दो तो मैं साउंड की क्वालिटी के बेसिस पे पता लगा सकता हूँ कौन बातें कर रहा है और कौन चुप बैठा है राइट right? तो इसे कहते हैं क्वालिटी याद रखना जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिगर सिक्सटी टू के ए में अगर फ्लूट बांसुरी कोई बजा रहा है तो ये साउंड वेव है और अगर वॉयलन बज रहा है तो ऐसा साउंड वेव है तो अलग अलग सिंगर्स हैं मोहम्मद रफी मन्ना डे किशोर कुमार लता मंगेशकर ये पता नहीं कौन है कविता कृष्ण मूर्ति होगी लिखा भी है ठीक है सुनिधि चौहान है हम तो ये इन्हें आप सब सिंगर्स की आवाज को डिफरेंशियट कर सकते हो क्लास इसके अलावा एक और टॉपिक है आई, पर उसकी वीडियोग्राफी ऑलरेडी हमने की कर रखी है अब आप होमवर्क में इसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए कोई डाउट आए तो बताइए